अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आप सबका दोस्त सार मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सार मोहम्मद हसन देसीपाल। तो दोस्तों, आज मैं अपनी नरकट वाली मुर्गी को दिखाऊंगा कि वो अंडे पे आ गई है और उसके साथ जो मुर्गी है वो भी अंडे पे आ गई है। तो देखते हैं इसने अंडा दिया कि नहीं। ये देखिए मेरी नरकट वाली मुर्गी है, अभी मैं इसको दाना मार के इधर बुलाता हूँ। तो देखिए इन लोगों को भी मैं धान ही डालता हूँ। इन लोगों की खेस देखिए, इन दोनों की खेस आप मैं दिखाता हूँ। देखिए दोनों की खेस लाल है, ये अंडे की निशानी होती है, दोनों खेस लाल रहती है। अभी मैं देखता हूँ इन लोगों के दरबे में इसने किसी ने अंडा दिया है कि नहीं दिया है। तो देखिए माशाल्लाह दोनों ने अंडा दिया हुआ है, वो देखिए आपको उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। देखिए दोनों ने अंडा दिया हुआ है, अभी मैं अंडे को निकाल लेता हूँ। देखिए इन लोगों की खेस देखिए आप, ये लाल वाले मुर्गे को मैं जो है इन्हीं दोनों के साथ रखता हूँ, और जो कासमी वाला है छोटा टाइप का जिसकी दुम अभी नहीं आई है उसको मैं काली वाली और जो मोटी वाली है और सफ़ेद वाली, उन तीनों के साथ रखता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ, सर्दियों में आप धान खिलाएंगे तो इनकी जो है ग्रोथ भी बढ़ेगी और इनकी अंडा देने की कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। देखिए हमने अंडा निकाल लिया है, इनको लगता है रात में इन्होंने दिया इन दोनों मुर्गी ने। तो अभी ये दोनों मुर्गी दे रही है हमारी अंडा। अभी मैं नीचे चलता हूँ और जो है अंडे को ट्रे में धर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। चार अंडा हमने जो है उबाल के खा लिया था, तो देखिए एक अंडा बचा था, अभी दो अंडा और मुर्गियों ने दिया। और देखिए असील वाली के अंडे में जो मैंने नाम लिख के रखा हुआ है, अंडा देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडा है, और दो अंडा दिया हुआ था असील वाली मुर्गी ने, दो अंडा वो चिटक गया, अभी 8 अंडा है। टोटल मेरी असील वाली मुर्गी ने 10 अंडा दिया था और दो चिटक गया है। और मैं उसको हीट पे लाने के लिए हरा चारा और धान भी खिलाता हूँ और लहसुन भी देता हूँ, और कैल्शियम वाली और विटामिन वाली चीज़ आप ज़्यादा खिलाएं, उनको विमराल भी पिला सकते हैं आप। विमराल हो गया, लहसुन हो गया, ये धान हो गया और पत्ता गोभी हो गया, ये सब में कैल्शियम और विटामिन होती है। और इन सब से भी जो है आपकी मुर्गी अगर अंडे नहीं देती तो आप उनको जो है कैल्शियम और विटामिन की कैप्सूल खिला सकते हैं। अभी हमारा ऊपर का जो है दरबा आधा बन गया है, अब बस दरवाज़ा लगाना बाकी है। दरवाज़ा लगा देंगे तब जो है इन सब को मैं जो है ऊपर ले जा के शिफ्ट करूँगा, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अभी जब से मैं इन लोगों को लेकर आया हूँ, इन्होंने 15 दिन गैप किया था, अंडा नहीं दिया था, फिर उसके बाद से ये लोग अंडा दे रही हैं, अभी ये लोग अंडा बंद नहीं किए हैं। 15 दिन इन्होंने झोल भरने में जो है टाइम लगा दिया था। अगर आप इन लोगों को कैल्शियम वगैरह सब देते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 15-20 दिन वेट करिए। देखिए इन लोग झोल भर लेंगी तब अंडे देंगी, ऐसा नहीं कि जो है आप तुरंत जो है चारा खिलाएंगे, तुरंत कैल्शियम की कैप्सूल और दवाई वगैरह देंगे तो तुरंत थोड़ी अंडे नहीं देने लगेंगी, इन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, झोल भर लेंगी तब जो है ये लोग अंडे देने लगेंगी। और ये लोग रोज़ जो है एक दो ऐसे करके अंडा इन लोगों के दरबे में से निकलता रहता है, एक दिन दो दिन नागा होता है और ये लोग अंडे देती रहती हैं माशाल्लाह। अभी वो वाले दरबे में वो लोग अंडा नहीं दे रही, कोई अभी नहीं दे रही है। मोटिया लिप दे रही थी वो भी बंद कर दी है, और उसकी खेस लाल हो गई, उसको मैंने जो है चारा वगैरह डाला था, अब वो जो है हीट पे आ गई, अब वो अंडे देने स्टार्ट करेगी जल्दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई मेरे चैनल पे नए आए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे भाई मैं गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है,
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहता हूँ और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलामुअलैकुम।